फोकस वैसे तो काफ़ी सारी वीडियो बनाता रहता हूँ मैं यामा R15 पर, आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगी और इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ। अराउंड अगर वीडियो की टोटल की बात करूँ तो 100-200 वीडियो होंगी R15 पर, और फिर भी कुछ ना कुछ नया आता है क्योंकि मॉडल बदलते रहते हैं। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला मॉडल है, आप देख सकते हो मैट ब्लैक यामा R15, और इसमें जो एक्सेसरीज है मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, और काफ़ी अच्छी लग रही हैं, सेफ्टी वाली भी हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों के पास R15 का कोई और एडिशन है यानी कि version 3 है तब भी आप इस पर इस तरीके का काम करा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों के पास न्यू वाला मॉडल हो या ओल्ड वाला मॉडल हो, R15 होनी चाहिए, सब काम हो जाते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो 10R स्टाइल वाले यहाँ पर मिरर लगा रखे हैं, और इस मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर का भी ऑप्शन मिलता है जो कि LED वाले हैं। इसका इग्निशन करते हैं ऑन, ये लो जी, ये देख सकते हो आप, इस साइड से भी देख सकते हो, तो ये हो गया। और काफ़ी अच्छे, काफ़ी हैवी और काफ़ी बल्की लुक प्रोवाइड कराते हैं आपके R15 पर। फ्रंट का जो लुक है ना, ये एक 10R स्टाइल वाले मिरर से और एक बबल वाइजर से बहुत ज़्यादा किलर और स्पोर्टी और बल्की लुक आ जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिकेटर पूरा चेंज नहीं करा है, लेकिन इसके अंदर जो हैलोजन बल्ब आता है तो हैलोजन बल्ब का फोकस भी जो है कम होता है और वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो उसके यहाँ पर रिप्लेस में एक LED बल्ब लगा दिया सीधा। ब्राइटनेस आप देख लो भाई, शॉप के अंदर अभी दिन का समय है, रात में बहुत ज़्यादा लाइट होगी इसकी। और इसके अलावा यहाँ पर लगा रखे हैं फोर्स स्लाइडर, जिसे फोर्क प्रोटेक्टर कहते हैं। सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होती, कभी बाइक आपकी गिरती भी है, डिस्प्ले वगैरह टेढ़ी नहीं होती है। कलर इसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे, गोल्डन कलर के इसे लगा दिए क्योंकि गोल्डन अलॉय है इसके, इसलिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, इसलिए गोल्डन कलर के लगा दिए। तो फ्रंट तो आपने देख लिया काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी अगर आप लोग चाहो तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और करा सकते हो, DRL वगैरह लगा सकते हो, विंगलेट लगा सकते हो, तो वो आप अगर मेरी वीडियो देखोगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर लीवर एंड लीवर गार्ड्स लगा रखे हैं जो कि एडजस्टेबल वाले, पहले आप ये चेक कर सकते हो लीवर, यहाँ से इसको स्विच कर सकते हो, कलर इसमें भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा लीवर गार्ड लगा रखे, कभी मान लो बाइक गिरती है तो आपकी ये लीवर डैमेज ना हो, सेफ रहे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लगा रखी है। अब आते हैं यहाँ पर साइड में, तो क्रैश गार्ड आप देख सकते हो जो कि डबल स्लाइडर के साथ है। थोड़ा सा मैं बाइक को इस तरह से कर लेता हूँ, ये लो जी, तो डबल स्लाइडर के साथ है, फुल्ली प्रोटेक्शन है। काफ़ी सारे लोग स्लाइडर लगवाते हैं, स्लाइडर लगवाने से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई स्पोर्टी लुक आ जाता है, लेकिन सेफ्टी खत्म हो जाती है, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इसको लगाने के बाद आपका जो है फेयरिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से रहता है, कंप्लीट बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आते, डैमेज नहीं होता, कभी बाइक गिरती भी है, दो स्लाइडर मिल जाते हैं प्रॉपर तरीके से, चेसिस से कनेक्ट है दोनों तरफ से, इस साइड से भी, और अगर आप इस साइड से देखोगे तो इस साइड से भी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइड स्टैंड जैकेट, साइड स्टैंड कवर लगा रखा है, और यहाँ पर देखोगे तो चेन कवर जो कंपनी देती है वो आता है गाइस प्लास्टिक का, तो यहाँ मेटल का लगा रखा है, गोल्डन कलर का लगा रखा है। कलर अगेन इसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रैब रेल लगा रखे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का क्या होता है R15 में ना, ये वाले पार्ट टूट जाते हैं, तो समझदारी ये रहती है कि जैसे आप लोगों ने खरीदी तो पहले लगवा दो ताकि ये डैमेज ना हो, क्योंकि जो ओरिजिनल पार्ट होता है नया वो ओरिजिनल ही होता है। और इसको लगाने के बाद आप इसको बाइक को कुछ इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हो, अगर आगे पीछे करना है आपको तो आप कर सकते हो। ये जो पीछे राइडर बैठेंगे ना, पीछे जो पीले राइडर रहेंगे, वो कुछ इस तरीके से इसको पकड़ भी सकते हैं, तो एक तरीके से पकड़ रहती है, और मेटल की होने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसके अलावा दोबारा से आप इधर आ जाओ तो यहाँ पर आप देखोगे तो मास्टर सिलेंडर कैप लगा रखी है, जो कि ये डिब्बी है ना ये ऑयल की, ये पूरी कवर हो जाती है, वो प्लास्टिक की होती है, अभी इसे कवर हो चुकी है, डैमेज नहीं होती है। एग्जॉस्ट का कवर लगा रखा है ताकि किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना है, लुक काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा किलर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक स्लाइडर लगा रखा है ताकि इस पर किसी भी तरीके का कोई स्क्रैच ना हो, डैमेज ना हो। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप अंदर देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल लगा रखी है, ये रेडिएटर ग्रिल है, राइडिंग के दौरान मान लो कि पत्थर वगैरह कोई पार्टिकल लगता भी है तो डैमेज ना हो। और ये छोटी छोटी एक्सरसाइज लगाने के बाद जो लुक है वो बाइक में कुछ इस तरीके का आ जाता है, और अगर आप बाइक पे बैठते हो तो कुछ ये वाला लुक आता है गाइस, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ये लो जी। तो ये तो कि आपकी यामा R15 की, अगर आप लोगों के पास MT15 है या कोई नॉर्मल बाइक भी है, स्कूटी है, सब पे आप मॉडिफिकेशन करा सकते हो। अगर इस बाइक की बात करूँ तो 12 से 15 हज़ार के अंदर आप इस तरीके का सारा काम करा सकते हो। क्वालिटी डाउन करोगे तो थोड़ा बजट कम हो जाएगा, क्वालिटी अगर आप और ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक लेटे दैन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।